हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। दिस इज तनु एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ली सेटेलियर्स प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है वो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है उसका एक टॉपिक है ली सेटेलियर्स प्रिंसिपल। तो आज मैं आपको ली सेटेलियर्स प्रिंसिपल को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और मैं आपको बिल्कुल बुक की लैंग्वेज में नहीं समझाऊंगी क्योंकि बुक की लैंग्वेज कई बार टफ भी लगती है, तो मैं आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में और बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करूंगी कि ली सेटेलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है। आई प्रॉमिस कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात कि ली सेटेलियर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कई सारे इक्विलिब्रियम लिए थे। जो ली सेटेलियर थे, ली सेटेलियर एक साइंटिस्ट थे, ली सेटेलियर ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, बहुत सारे केमिकल इक्विलिब्रियम लिए थे, अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि ली सेटेलियर क्या थे, वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लार्ज नंबर में केमिकल इक्विलिब्रियम लिए। यानी कि जो ली सेटेलियर थे उन्होंने बहुत सारे केमिकल इक्विलिब्रियम लिए और उन केमिकल इक्विलिब्रियम पर इन्होंने कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर के इफेक्ट को स्टडी किया। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है कि जो ली सेटेलियर थे, ली सेटेलियर ने बहुत सारे केमिकल इक्विलिब्रियम लिए और उन केमिकल इक्विलिब्रियम पर इन्होंने कंसंट्रेशन के इफेक्ट को, टेम्परेचर के इफेक्ट को एंड प्रेशर के इफेक्ट को स्टडी किया और इन्होंने वहाँ से एक कंक्लूजन निकाला और एक प्रिंसिपल दिया और उस प्रिंसिपल को ही आज हम ली सेटेलियर्स प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अब जो ली सेटेलियर थे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने इस इफेक्ट को स्टडी किया और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, इन्होंने बोला कि अगर किसी इक्विलिब्रियम पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, इन्होंने बोला कि अगर किसी इक्विलिब्रियम पर हम स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं। देखिए स्ट्रेस से, यहाँ पर ये जो वर्ड है स्ट्रेस, इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और जो प्रेशर है उसकी कंडीशंस में चेंज करना। स्ट्रेस का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है और जो प्रेशर है उसकी कंडीशंस में चेंज करना। तो जो ली सेटेलियर थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम पर स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उस वे में शिफ्ट होगा जहाँ पर ये जो स्ट्रेस है उसका इफेक्ट रिड्यूस हो रहा हो। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे कि हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम है जिस पर हमने स्ट्रेस को अप्लाई कर दिया। स्ट्रेस को अप्लाई करने का मतलब यह है कि उसकी जो कंडीशंस हैं कंसंट्रेशन की, टेम्परेचर की और प्रेशर की, उनमें चेंज कर देना। तो जब हमने उस पर स्ट्रेस को अप्लाई कर दिया तो जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में ये जो इस पे स्ट्रेस अप्लाई किया गया है उस स्ट्रेस का इफेक्ट कम हो रहा हो, उस डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, इफ एन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस, यानी अगर किसी इक्विलिब्रियम पर स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच अ वे टू रिड्यूस स्ट्रेस। यानी देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें इन्होंने बोला था कि अगर किसी भी इक्विलिब्रियम पर स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं यानी कि उसकी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में चेंज करते हैं, तो उस पर स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर जो स्ट्रेस किया गया है उसका जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो रहा हो, यानी कि जो उसका इफेक्ट है वो कम हो जाए, वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो नंबर वन है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पर हम एक इक्विलिब्रियम को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हमने एक इक्विलिब्रियम को कंसीडर किया जैसे Fe3+
एस सी एन माइनस, और यहां से हमें किसका फॉर्मेशन हुआ है, एफ ई एस सी एन प्लस टू चार्ज। और ये जो हमारे पास है वो पेल येलो कलर का है, ये हमारे पास कलरलेस, और ये जो हमें मिला है वो डार्क ब्राउन कलर का मिला, यानी ये डार्क ब्राउन कलर का है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन में जब चेंज किया जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए हमने एक यहाँ पर इक्विलिब्रियम को कंसिडर किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेल येलो कलर का है, ये डार्क ब्राउन कलर का है। तो लेट सपोज कि अगर हम इस इक्विलिब्रियम में सम फेरिक सॉल्ट दैट इज FeCl3 को ऐड करवा देते हैं, अगर हम इस इक्विलिब्रियम में कुछ फेरिक सॉल्ट FeCl3 को ऐड करवा देंगे तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन का कलर है वो तुरंत डार्क हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हुआ है कि अगर हम इस इक्विलिब्रियम में यहाँ पर अगर हम FeCl3 को ऐड करवा देंगे तो ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पर उसका कलर तुरंत डार्क हो जाएगा। और जो डार्क कलर है वो क्या शो कर रहा है, वो डार्क कलर होने से हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, जो हमारे पास टिश्यू कॉम्प्लेक्स है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि लेट सपोज यहाँ पे सपोज करिए कि इस इक्विलिब्रियम में हमने क्या किया है, FeCl3 को ऐड करना है, यानी कि यहाँ पर फेरिक सॉल्ट को हमें यहाँ पे फेरिक सॉल्ट का एडिशन करवाना है FeCl3 का। तो यहाँ पर जो हम इस इक्विलिब्रियम में जब इसका एडिशन करवाएंगे तो जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो तुरंत डार्क हो जाएगा, यानी कि जो कलर है, द कलर ऑफ सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, वो तुरंत डार्क कलर हो जाएगा। और ये डार्क कलर हमें क्या शो करता है, ये शो करता है कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स है FeCn जिसके ऊपर प्लस टू चार्ज है, यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, यानी इसकी जो कंसंट्रेशन है उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ये हमें कैसे पता चल रहा है, इसका कलर डार्क हो रहा है, तो इसका कलर डार्क होने से क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर जो ये जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स है उसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखिए यहाँ तक हमने सिर्फ इतना देखा कि हमने यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम को कंसिडर किया है जिसमें हमने कुछ फेरिक सॉल्ट को ऐड करवाया तो इसका कलर तुरंत डार्क हो रहा है। तो जो डार्क कलर हो रहा है वो क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम इसमें इस इक्विलिब्रियम में ली सेटेलियर का प्रिंसिपल लगा करके देखें तो ली सेटेलियर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर कंसंट्रेशन इसकी रिएक्टेंट्स की इंक्रीज हो रही है, अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट के फेवर में शिफ्ट होगा, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो जो इक्विलिब्रियम है वो रिएक्टेंट के फेवर में शिफ्ट होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट के फेवर में शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन बैलेंस हो सके, इसलिए वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। वहीं अगर इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो जो इक्विलिब्रियम है वो रिएक्टेंट की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ताकि यहाँ पर दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो बैलेंस हो सके, यानी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो बैलेंस हो सके, इसलिए वो रिएक्टेंट की साइड में आ जाएगा। कब, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो मैं आपको ये पॉइंट यहाँ पे नोट करा देती हूँ। नोट क्या करना है यहाँ पे कि अगर कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, यानी कि रिएक्टेंट्स है हमारे पास, अगर किसी इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो जो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट्स के फेवर में शिफ्ट हो जाएगा। कब, जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। अगर वहां पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो जो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट
इन फेवर ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट के फेवर में शिफ्ट हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट वाली डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो जो इक्विलिब्रियम है वो रिएक्टेंट्स के फेवर में यानी कि रिएक्टेंट्स की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या समझना है कि कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसमें टू अपोजिंग रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, एक प्रोडक्ट के फेवर में होती है और दूसरी रिएक्टेंट्स के फेवर में होती है। यानी यहां पर हमें लिखना है अ केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स टू अपोजिंग रिएक्शंस, वन फेवरिंग द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के फेवर में होती है और एक रिएक्टेंट के फेवर में होती है, एंड अदर फेवरिंग द रिएक्टेंट्स, यानी कि एक प्रोडक्ट के फेवर में होती है और एक रिएक्टेंट्स के फेवर में होती है। अगर यहाँ पर एक एक्सोथर्मिक और दूसरी एंडोथर्मिक हो तो इफ वन ऑफ दीज इज एक्सोथर्मिक एंड अदर मस्ट बी एंडोथर्मिक। अच्छा, आपको ये चीज़ पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एंडोथर्मिक क्या होती हैं? चलिए, नहीं पता तो डोंट वरी, मैं बताती हूँ। देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिनमें से हीट इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि यहाँ पर हीट इवॉल्व नहीं होगी, रिलीज नहीं होगी, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो जो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है उसमें सबसे पहले हमें ये दो लाइन लिखनी है। ये दो लाइन क्या है, अ केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स टू अपोजिंग रिएक्शंस, यानी जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें टू अपोजिंग रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, एक प्रोडक्ट के फेवर में होती है और दूसरी रिएक्टेंट्स के फेवर में होती है। अगर इन दोनों में से कोई एक एक्सोथर्मिक तथा दूसरी एंडोथर्मिक होती है तब हम एक इक्विलिब्रियम को कंसिडर करेंगे। मैं इसे रेज कर रही हूँ, आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए, यहाँ पर हम एक इक्विलिब्रियम को कंसिडर करेंगे, कंसिडर इक्विलिब्रियम जो कि है N2O4, और इससे हमें मिल रहा है 2NO2। देखिए, यहाँ पर हमने एक इक्विलिब्रियम को कंसिडर कर लिया है। अगर हम इस सिस्टम को हीट देंगे, यहाँ पर अगर हम हीट देते हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। यानी अगर हम इसको हीट देंगे, हीट करेंगे इसको, तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। तो फिर यहाँ पर जो ली सटेलियर्स प्रिंसिपल है उनके अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पर ये जो हीट हम इसको दे रहे हैं उसका इफेक्ट रिड्यूस हो रहा हो, उसका इफेक्ट कम हो रहा हो। यानी कि हमारे पास एक ये सिस्टम है जिसको हम हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में जाकर के शिफ्ट हो जाएगा, यानी उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर ये जो हम इसको हीट दे रहे हैं उसका इफेक्ट उस साइड में कम हो रहा हो, उस साइड में क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कूलिंग को प्रोड्यूस करना चाहेगा। तो जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम है वो NO2 के फेवर में शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं आपको पॉइंट में लिखवाती हूँ क्योंकि आपको ऐसे तो याद नहीं रहेगा। देखो, जब हम इस सिस्टम को हीट करेंगे, तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर जो हीट का जो इफेक्ट हो रहा है वो कम हो रहा हो, विच टेंड्स टू अंडू
द इफेक्ट ऑफ हीट। देखिए इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर जो हीट का इफेक्ट है वो कम हो रहा हो या फिर अंडू हो रहा हो, उस डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो जो इक्विलिब्रियम है वो NO2 के फेवर में शिफ्ट होगा, यानी यहां पर जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फेवर ऑफ NO2, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फेवर ऑफ NO2, यानी जो इक्विलिब्रियम है वो NO2 के फेवर में शिफ्ट हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर? वहीं अगर हम इसको कूल करें, यानी अगर हम इसको कूल करते हैं तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी अभी हमने देखा था कि अगर हम इस जो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है उसको हीट करते हैं, अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ये जो सिस्टम है इसको हम कूल करते हैं तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर ये जो कूलिंग का इफेक्ट है वो कम हो रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको कूल करेंगे, यानी जो सिस्टम है उसको अगर कूल किया जाता है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर ये जो इफेक्ट ऑफ कूलिंग, कूलिंग का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो रहा हो, तो इक्विलिब्रियम N2O4 के फेवर में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, यानी ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पर हो रही है वो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पर हो रही है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर इस सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम है उसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है वो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, और जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड, वो क्या है, वो एक्सोथर्मिक है। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर अगर हम इस सिस्टम को कूल करते हैं तो इक्विलिब्रियम किसके फेवर में शिफ्ट हो जाएगा, N2O4 के फेवर में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फेवर ऑफ N2O4। तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की, आप इसको नोट कीजिए। देखिए नोट्स की टेंशन मत लीजिएगा, मैं क्या करूँगी, मैं ये टॉपिक आपको, ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर करवाने के बाद इसी वीडियो में लास्ट में मैं आपको नोट्स सिखा दूंगी, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थर्ड जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले दो लाइन लिखनी है आपको, वो दो लाइन क्या लिखनी है आपको, लिखना है इफ अ सिस्टम, मैं भी समझाऊंगी डोंट वरी, इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कंसिस्ट्स गैसेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स कैन बी अल्टर्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर। देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो दो लाइन हमने लिखी है इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई गैसियस सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, हमारे पास कोई भी गैसियस सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और वहाँ पर प्रेशर के चेंज करने से जो सभी कंपोनेंट्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है उसको चेंज किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर देखा है द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स कैन बी अल्टर्ड, यानी सभी कंपोनेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर को चेंज करने से। जैसे प्रेशर को अगर इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर को अगर डिक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सभी कंपोनेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को अल्टर कर सकते हैं बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो इसके बाद हमें एक इक्विलिब्रियम को यहाँ पर कंसिडर करना है, तो मैं यहाँ पर उसी इक्विलिब्रियम को कंसिडर करूँगी जो कि हमने अभी लास्ट रिएक्शन में किया था। वो क्या था, हमने यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम को कंसिडर कर लिया है, दैट इज N2O4। क्या मिल रहा है हमें, NO2 हमें मिल रहा है यहाँ पे, और ये इसका 1 मोल है यहाँ पर और ये 2 मोल्स है, दोनों ही क्या है, गैसियस स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक इक्विलिब्रियम को कंसिडर कर लिया है, तो यहाँ पर क्या है N2O4 का 1 मोल है और
टू एनओ टू के टू मोल्स हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यानी कि जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो जो वॉल्यूम है हमारा वो डिक्रीज होगा, जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझनी है कि अगर हम इस इक्विलिब्रियम के, ये जो हमारे पास सिस्टम है, अगर हम इसके प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पर सिस्टम है अगर हम इसके प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो अगर हम इस सिस्टम के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज कि हम इसके प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पर वो क्या होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाएंगे। लेट सपोज हमारे पास ये है पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पर पहले हमारे पास जो एक मोल था उसका वॉल्यूम ये था, लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर को इंक्रीज किया जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स, पहले इस जो मोल था, एक मोल था उसका वॉल्यूम ये था, अब जब हमने इसको प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे इंक्रीज हो गए, यानी कि मोल्स के जो नंबर है वो इंक्रीज हो गए, और प्रेशर को हमने इंक्रीज किया तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे होंगे, ताकि दोनों तरफ बैलेंस रहे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कब शिफ्ट होता है और क्यों शिफ्ट होता है, बैलेंस करने के लिए शिफ्ट होता है। जैसे अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी तो जो इक्विलिब्रियम था वो प्रोडक्ट की साइड में, प्रोडक्ट के फेवर में शिफ्ट हो रहा था। तो क्यों हो रहा था, ताकि वो दोनों साइड बैलेंस रहे। तो वैसे ही जो अब हम हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो डिक्रीज हो रहे हों। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, दस द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑन द एवव सिस्टम टेंड्स टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फेवर ऑफ N2O4, यानी कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो N2O4 के फेवर में शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स वहाँ पे डिक्रीज हो रहे होंगे। तो ये था ली सेटेलियर्स प्रिंसिपल के बारे में। इसमें मैंने आपको जो भी समझाने वाला पार्ट था वो सारा समझा दिया है, और इतना ही आपको समझना है, इतना ही आप अपने एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको ये एक्सप्लेन दिया, मैंने आपको सिर्फ समझाया है, अब मैं आपको इसके नोट्स दिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया जो भी मैंने समझाया तो आप खुद से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आप खुद से नोट्स प्रिपेयर नहीं करना चाहते तो मैं अभी आपको नोट्स दिखा देती हूँ, आप वहाँ से देख करके भी अपने नोट्स बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी यहाँ पे नोट्स हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ली सेटेलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।